चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो दोस्तों ये है फ्रैक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन को ऐड करना, यानी कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में। इसके वीडियो दोस्तों मैंने पहले भी बनाए हैं, लेकिन उसमें डिटेल में मैंने नहीं बताया था। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बेसिक से डिटेल से हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैंने मेंसुरेशन 3D के बारे में बताया है, अगर आप उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप उसके सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं फ्रैक्शन के टाइप के बारे में, भिन्न के प्रकार के बारे में, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, जहां से आप इसके बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं भिन्नों के और उन्हें हम जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ बेसिक से दो एग्जांपल लिए हैं, इन्हें हम सोल्व करेंगे। आगे भी हम एग्जांपल लेंगे इसके बारे में अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से हमें भिन्न है जो मिलती है और उन्हें हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे सबट्रैक्ट, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इनके बारे में। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं और इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे फ्रैक्शन होती है, यहाँ हमें दिया गया है 1/2 + 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर का जो अंक है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला होता है उसे हर बोलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है, एलसीएम हमें निकालने होते हैं। और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक और मेथड के बारे में मैंने बताया है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, अगर हमें जो इसके हर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 है, 5/2 है, तो यहाँ पर दोनों जो हर है वो समान है, तो इसकी हमें यहाँ पर एलसीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका जो दोस्तों एलसीएम है वो 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है जैसे कि जैसे हम रख सकते हैं तो ये हो जाएगा 6/2। अब यहाँ पर इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 2 का भाग आप 6 में लगा सकते हैं, ये जाएगा 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमने लिया है, उसमें है 3/2 + 9/3, ठीक है। तो यहां पर है जो इसके हर हैं अलग अलग है, तो इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो यहां पर दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां हम 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। यहां पर 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का लगाएंगे, तो यहां 1 आएगा, यहां पर 3 आएंगे, फिर से यहां पर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का हम लगा देंगे। तो इनका हम गुणा करेंगे तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6। आप सीधा भी निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक भी मैंने बताई है, उसका भी वीडियो आपको यहां आई बटन पे मिल जाएगा। तो इसके हमने एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकल के आए 6, ठीक है। अब यहां पर अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि यहां हमें जो इसका हर है किसी भी भिन्न का आप ले सकते हैं, जैसे हम इसका हर लेते हैं तो इसका हर 3 है, तो इसका भाग हमें एलसीएम में लगाना है। तो 3 का भाग जब हम 6 में लगाएंगे तो ये जाएगा 2 बार। अब जो हमारी संख्या आती है भाग लगाने के बाद में, जैसे यहां पर 2 आया है, तो ये जो 2 है इसका गुणा हमें इसके अंश से करना है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली संख्या से करना है। तो 3 का भाग हमने 6 में लगाया, ये गया 2 बार, और 2 का गुणा हमने 9 से किया तो ये हो गए 18, ठीक है। अब यहां पर आगे भी इसी प्रकार से करना है, यहां प्लस का चिन्ह है ऊपर, तो हमें यहां प्लस का चिन्ह लगाना है। अब ये जो 2 है इसका हर है, इसका भाग हम लगाएंगे एलसीएम में, तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, और जो 3 आया है उसका गुणा हम इसकी ऊपर वाली संख्या से करेंगे। तो ऊपर यहां पर 3 है तो 3 का गुणा 3 से हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहां हमारे पास आए हैं दोस्तों 9 + 18, इनको हम ऐड कर देंगे, यहां पर प्लस का चिन्ह है तो इन्हें हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 27, और 27 के बटे में जो ये 6 है ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर वो निकल के आया है 27/6। तो इस प्रकार से भिन्न आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 2-2 भिन्न लेके जोड़ा है, अभी हम 3 भिन्न लेंगे और उन्हें भी हम जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 एग्जांपल और लिए हैं, इन्हें भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 3 भिन्न लिए और तीनों को हम जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ने का तरीका वही है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर हमें दोस्तों इसके एलसीएम लेने होंगे, तो यहाँ पर हम 5, 7 और 5 के एलसीएम जब निकालेंगे तो ये आएंगे 35। एलसीएम निकालने के बाद में हमें क्या करना है, जो हर है उसका भाग लगाना है हमें, जो हमें एलसीएम निकाला है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 का भाग हम लगाएंगे 35 में, तो ये जाएगा 7 बार, और दोस्तों जो भाग लगाने के बाद में आता है उससे हमें गुणा करना है जो ऊपर वाली संख्या है। तो यहाँ ऊपर 11 है तो 7 का गुणा हम 11 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 77,
प्लस अब हमें दोस्तों यहाँ पर अगली बिन देखनी है, इसका हमें हर देखना और इसके हर से दोस्तों हमें जो एलसीएम निकाला है उसमें हमें भाग लगाना है। तो सात का भाग हम लगाएंगे 35 में, तो ये जाएगा 5 बार और जो 5 आया है उसका गुणा हमें इसके ऊपर वाली संख्या से कराना है। तो 5 का गुणा हम इससे करा देंगे तो ये हो जाएंगे 10 और प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हमें 5 से डिवाइड करना है 35 को, तो यहाँ पर भाग जाएगा 7 बार और जो आया है उसका गुणा हम कराएंगे ऊपर वाली संख्या से। तो 7 से हम गुणा करा देंगे 3 को, तो ये हो जाएंगे 21। अब दोस्तों यहाँ पर सीधा सा इसको हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद में जो बटे में संख्या है वो आ जाएगी। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 108 और बटे में इसके है 35, तो यहाँ पर हम रख देंगे दोस्तों 35, तो ये हो जाएगा 108 बटे 35। इस प्रकार से दोस्तों तीन साधारण भिन्न आपको मिलती है, तो वहां पर हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी हमें दिया जाता है मिश्र भिन्न, जैसे इस प्रकार से सही बटे की भिन्न हमें मिल जाती है 2 से 5/3 प्लस 3 से 4/5। तो इस प्रकार की भिन्न को हम किस प्रकार से ऐड करेंगे इसे भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमें मिश्र भिन्न को ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसे हम सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने का तरीका यह है कि जो नीचे आपको हर दिया जाता है उसका गुणा आपको जो सही बटे में संख्या मिलती है उससे कराना है और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देनी है। जैसे यहाँ पर 3 का गुणा हम 2 से करा देते हैं तो ये होगा 6 और 6 में हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 11/3। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले वाली भिन्न को भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 5 का गुणा कराएंगे 3 से तो ये हो जाएंगे 15 और इसमें हम 4 जोड़ देंगे ऊपर वाले तो ये हो जाएंगे 19। ठीक है, और बटे में है 5। अब दोस्तों ये जो भिन्न थी ये सरल भिन्न हो गई है, साधारण भिन्न इस प्रकार से, तो इसे हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। अब आगे हमें इसका एलसीएम लेना है, तो 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये इसका हर है इसका भाग हमें फिर से इसमें लगाना होगा, तो 5 का भाग हम 15 में लगाएंगे, ये जाएगा 3 बार और 19 से 3 का गुणा हो जाएगा 57, तो यहाँ पर हम रख देंगे 57 प्लस। अब आगे दोस्तों हमें क्या करना है, जो अगली भिन्न है उसका हर से हमें इसका जो एलसीएम है इसे डिवाइड करना है, तो 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएंगे 5 बार और 5 का गुणा इसकी ऊपर वाली संख्या से हो जाएगा, तो ऊपर 11 है तो यहाँ हो जाएंगे 55। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आगे हमें ये करना है कि जो हमारी संख्याएं निकल के आई है उन्हें हमें ऐड करना है, तो 55 और 57 को हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 112 और बटे में है 15। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास ये संख्याएं निकल के आई है ये अगर किसी एक संख्या से कट रही है तो इन्हें हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये थी दोस्तों मिश्र भिन्न, इसे हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिश्र भिन्न भी हो और साधारण भिन्न भी हो, तो उसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए एग्जांपल लेते हैं, सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है, 2 से 1/9 प्लस 3 से 1/4 प्लस 1/2 को हमें एड करना है। तो इसे एड करने के लिए सबसे पहले जो हमें मिश्र भिन्न दी गई है उन्हें हमें साधारण भिन्न में बदलना है। उसका तरीका मैंने आपको बताया, जो 9 का गुणा हम 2 से करा देंगे तो ये हो जाएंगे 18 और 18 में हम जो ऊपर का आंसर है वो जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 19 और बट्टे में है यहाँ पर 9। ठीक है दोस्तों, आगे हमें दिया गया है 3 से 1/4, तो 4 का गुणा हम 3 से कराएंगे ये हो जाएंगे 12 और 12 में हम इसका अंश जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएंगे 13, तो 13/4 और प्लस में आगे हमें दिया गया है 1/2, तो इसे हम है जैसा का जैसा रहने देते हैं। अब दोस्तों आगे हमें इसे हल करना है, तो इसका हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, तो 9, 4 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने एलसीएम बता दिया है, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 9, 4 और 2 हम यहाँ पर रखेंगे। हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लेनी है और उसका भाग अगर किसी भी संख्या में जा रहा है तो उसका हमें लगाना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ हम 2 लेते हैं, तो 2 का भाग यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में जा रहा है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। जिस संख्या में नहीं जाता उसे है जैसा का जैसा रखना है, तो 9 और 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 में जाएगा 1 बार। फिर से यहाँ पर 2 है तो इसमें दोस्तों हमें 2 का भाग फिर से लगाना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 2 में 2 का भाग 1 बार और यहाँ पर 1 पहले से है। ठीक है, अब 2 का भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है तो हमें आगे वाली संख्या लेनी है, तो यहाँ हम लेंगे 3 और 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 3 है तो 3 का भाग हम फिर से लगाएंगे और यहाँ पर 1 और 1 1। ठीक है, इस प्रकार से हमें एलसीएम निकालने हैं। अब सभी संख्याओं को हमें गुणा कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका गुणा कराते हैं, तो 2 का गुणा हमने 2 से किया 4, 4 का गुणा हमने 3 से किया 12 और 12 का गुणा हमने 3 से किया तो ये हो जाएंगे 36। तो इसका दोस्तों हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा 36।
इस प्रकार से आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो आगे हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें 2 मिला है इसका हर, तो 2 का भाग दोस्तों 36 में जाएगा 18 बार, और 18 से इसके ऊपर वाली संख्या से इसका हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 18 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर 18 फिर से आ जाएंगे प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों 4 है हमारे पास, तो 4 का भाग हम 36 में लगाएंगे तो ये जाएगा दोस्तों 9 बार, और 9 का गुणा हम करा देंगे 13 से, क्योंकि उसकी ऊपर वाली संख्या 13 है, तो 13 से 9 का गुणा हो जाएगा 117, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों 9 है और यहाँ पर 36 है, तो 9 का भाग हम 36 में लगाएंगे, ये जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा जो इसकी ऊपर वाली संख्या है उससे हम करा देंगे, तो 4 का गुणा हम 19 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 76, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप अपना यह है कि जो संख्याएं हमारे पास निकल के आई है उन्हें हमें ऐड करना है। अगर दोस्तों हम बिन को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, तो इनका जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 211 और बटे में आ जाएंगे 36, ठीक है। तो अब अगर कोई संख्या से ये संख्याएं कट रही है तो इन्हें हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, चाहे हमें मिश्र बिन मिले या साधारण बिन, इस प्रकार से हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो पिछला वीडियो था उसमें सही से मैंने नहीं बताया था डिटेल में फ्रैक्शन के बारे में, तो अब है जो एक पूरी सीरीज यहाँ पर चलने वाली है, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें दोस्तों फ्रैक्शन भिन्न के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी, और उसमें सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप होंगे, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।